वहीं अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के बनासकांठा में भी आफत की बारिश शुरू हो गई है। बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया, लोगों को पीने का पानी और बिजली तक नसीब नहीं हो रहा है क्योंकि आसपास के जो इलाके हैं देखिए वहां पर पूरी तरीके से पानी पानी ही नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें बनासकांठा की हैं, बारिश से भारी तबाही वहां पर हुई है, लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है, लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं और ऐसे में लोग इधर से उधर पलायन करने को मजबूर है। लेकिन उनके सामने चुनौती और मुसीबत इस बात की कि आखिरकार वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि जो पूरा इलाका आसपास के जो गांव हैं आसपास का जो पूरा इलाका है वो पानी में ही लीन है। लोगों के पास सुरक्षित ठिकानों की तलाश करने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। लेकिन जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि जहाँ तक उनकी नज़र जा रही है सिर्फ और सिर्फ पानी नज़र आ रहा है। हालांकि उनकी नज़र इस बात पर टिकी है कि प्रशासन उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाए, रेस्क्यू टीमें आए जो उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुँचाए। बनासकांठा का बावड़ी इलाका और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी भरा हुआ है। एक ही रात में तकरीबन 8 से 10 इंच बारिश हुई और उसके बाद पानी सुबह तो इससे भी ज़्यादा था, लेकिन अब जब बारिश थोड़ी रुकी है जिसके चलते पानी है वो थोड़ा कम होता जा रहा है, लेकिन अब घरों तक पानी की हद तक है। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर कि घर से जो अंदर रहने वाले लोग थे वो सुबह होते ही बाहर निकल गए क्योंकि अंदर पीने की पानी की व्यवस्था नहीं थी और साथ में जो मवेशी हैं वो भी अभी अंदर हैं, उनका भी रखरखाव करना है, उनको भी खाना पिलाना है। यहाँ पर जो कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं, यहाँ के जो घर में रहने वाले लोग हैं उनसे बात करते हैं। शुभ नाम तुम्हारा? संतोष बहन। खादू वादू की नहीं गई? ठीक है, संतोष बहन है, कह रहे हैं कि सुबह से कुछ खाना भी नहीं हुआ, कहा खावा क्या खादू तो पछे क्यों कहतुन थी तो वे खानो चप पोकाल छे तरका छ। ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखो खाना तो कोई नसीब नहीं हुआ, लेकिन अब जब आसपास के लोग से बात करेंगे तो ज़रूर उसमें वो लोग मदद करेंगे खाने पीने के लिए। और यहाँ पे कुछ बाकी लोग हैं उनसे बात करते हैं क्या हुआ परिस्थिति, कल कितनी बारिश हुई यहाँ पर? रात में तो बहुत बारिश थी, लेकिन हमारे भाई वहाँ थे रहते थे वो रात में बहुत बारिश हुई, इसलिए हमने रात को यहाँ पर आया उसको रेस्क्यू करके रात को ट्रैक्टर पे ले जाके दूसरे हमारे दूसरे घर पे ले गए। वो यहाँ पर तो बहुत पानी भरा था, वो घर में सब कुछ पानी भरा हुआ था। वो रेडली का बच्चा है, गाय है, वो घर में बांधी हुई है, लेकिन यहाँ तो बारिश है, अभी बारिश आएगी तो यहाँ पर सब कुछ तबाह हो जाएगा। 250 जो घर हैं वो इसी तरीके से पानी में, और तकरीबन 4 से 5 फीट पानी सुबह इस इलाके में था। अभी हालांकि थोड़ा पानी कम हुआ है, हमें भी यहाँ आने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ा चूँकि जो इलाका था उसमें दलदल थी, पता नहीं था कि कितना गहरा पानी हो सकता है, तो हमने ट्रैक्टर की मदद ली और यहाँ तक पहुँचे। और गुजरात के बनासकांठा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ लगातार बाढ़ का पानी ना सिर्फ रिहायशी इलाकों में पहुंच रहा है बल्कि जो खड़ी फसल है किसानों की वो भी बुरी तरह से बर्बाद हो रही है। जिन सड़कों पर वाहन चलते थे वो रास्ते भी पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। अब सिर्फ ट्रैक्टर के जरिए ही लोग इन घरों से अपना सामान सुरक्षित निकालते दिखाई दे रहे हैं और गुजरात के कई इलाकों में कमोबेश ऐसे ही हालात देखे जा रहे हैं।